मैंने नॉर्मली अलॉय व्हील में छेद किया। अच्छा, नॉर्मली अलॉय व्हील में छेद किया और उसके अंदर वो सारे नट लगाए। आपने 180 190? जी 180 180। लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए भाई? मेरे हिसाब से तो मत लगाओ, अराउंड कुछ नहीं तो मान के चलो तो 30,000 रुपए के लमसम में आ गया। रफ आइडिया है ना, 30,000 रुपए। पहले जो मैं ये देखो भाई, ये ब्रेक दबाने पे ना, वीडियो में पता नहीं आपको कितना दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा, बट जेन्युइन बता रहा हूँ, रियल लाइफ में बहुत सुंदर लग रही है। रात कल आपके साथ कुछ होता है तो आप यामाहा में क्लेम भी नहीं कर सकते, किसी को बता भी नहीं सकते। अब मैं समझा ना, जो आप कह रहे हो रिस्क, ये स्किड कर रही थी, स्किड कर रही थी, मैंने कहा बाइक तो स्किड ही नहीं कर सकती, कितनी तेज ब्रेक लग जाए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ मैं यामाहा की R15M। बेसिकली चैनल के ऊपर बहुत सारे आप लोगों को R15 दिखाई चुका हूँ ऑलरेडी, बट आप लोग कह रहे होंगे कि आज मतलब ऐसा क्या स्पेशल है इसके अंदर। बेसिकली कुछ इसके अंदर एक तो दो तीन अलग सी मॉडिफिकेशन हो रखे हैं, तो मैंने कहा डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर लगी हुई हैं, आप लोगों को कंप्लीटली मॉडिफाइड से दिख रही होगी। नंबर वन इसके ऊपर रैप हो रखा है, एग्जॉस्ट लगा हुआ है, बट जो हाईलाइटेड पॉइंट रहेंगे ना इस वीडियो के, वो आपको इसके अंदर डुअल डिस्क देखने के लिए मिलने वाले। फ्रंट के अंदर आफ्टर मार्केट लगा रखे हैं, कितने सक्सेसफुल है कितने नहीं है ओनर से पूछ के बताएंगे। बाकी उसके अलावा क्रैश गार्ड वगैरह लगा हुआ है, और एक चीज़ बहुत अमेजिंग है इसके अंदर, पीछे की तरफ आप ये देखोगे ना, डुकाटी इंस्पायर्ड इसके अंदर ब्रेक लाइट और इंडिकेटर है। अभी जलते हुए नहीं, चलो विक्की भाई जला के दिखा देंगे। बाकी अभी आपको ना आगे ये ऑन करके भी दिखाऊंगा, अभी मतलब ये कैसे दिखते कैसे नहीं दिखते। ये तो इंडिकेटर हो गए, इंडिकेटर बंद कर दो इंडिकेटर। ये ब्रेक लाइट है, ये देखो पूरी डुकाटी इंस्पायर्ड लगती है, अपनी R15 में लगवा लो विक्की भाई ये। और DRL आपके अच्छी नहीं है, इसको फिर क्या लगवाऊं? हाँ वो है, ये बात सही कह रहे हो, वरना DRL आपके लिए वाली मैं ला देता, मुझे पता कहाँ मिल जाती है बढ़िया एकदम बेस्ट रेट पे। तो इस बाइक को ऑन करते हैं। विराज भाई क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया भाई, मस्त मस्त भाई। काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन कर रखी है यार आपने तो बाइक पे, मतलब मैंने पहली R15 देखी रियल लाइफ में जिसमें इतनी ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो रखी हो। क्या खर्चा आ गया होगा मॉडिफिकेशन का ओवरऑल? भाई ऐसा तो अभी तक गिना नहीं मैंने, फिर भी एक रफ आइडिया। कुछ नहीं तो 60-70,000 रुपये या और शायद प्लस ही लग गया होगा। 60-70,000 रुपये खर्च कर रखे आपने? तो मैंने गिना भी नहीं ऐसी मतलब सडनली प्लान हो गया या फिर मतलब मन था कि ये सब कराना है? धीरे 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 करते करते। यूजुअली क्या था ना कि मेरे को R1 बहुत पसंद थी, आपको पता होगा R1 मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो मेरे को क्या था ना कि लुक्स थोड़ा ना R1 जैसा बनाना था, वो चला नहीं था बीच में ट्रेंड के, बंदे छोटी छोटी लाइटें लगवा लेते थे साइड साइड, मिनी ड्राइव लगता लग जाती है जैसे कि मैंने भी लगवा रखे, बट काफ़ी अंदर है वो नज़र नहीं आ रही है। हाँ सही कह रहे हो, ये मैं देखो चलाऊंगा ना तो आपको दिखेगा। दिख रही है हाँ दिख गई ये री भाई, चेक आउट करो मिनी ड्राइव। हालांकि काफ़ी लोग तो इसको भाई रिस्पांस के लिए भी लगवाते थे कि रोड पे इसकी लाइट का थ्रो इतना अच्छा नहीं है ना। हाँ काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मुझे मिला क्या, मैं यहाँ ड्राइव से लेकिन मेरी गाड़ी में भी लगी है। हाँ आपने भी लगवा रखी है। हाँ भाई क्या कहते हैं, अच्छा रिस्पांस भी है ठीक है, बट मैंने थोड़ा सा लुक्स के लिए लगवाया था, मेरे को ऐसा कुछ खास दिक्कत नहीं थी इसके प्रोजेक्ट से, काफ़ी अच्छा थ्रो है ठीक है ठीक है। एंड देन बात रही ग्राफिक्स की तो देख सकते हो थोड़ा मैंने नेट पर सर्च करा तो मुझे शार्क थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा था, बीच में ट्रेंड चला था ना। हाँ ये शार्क जैसे ग्राफिक्स, शार्क R1 ड्रिफ्टर वगैरह सारी चीज़ लिखी हुई है। अच्छा इसमें ये सब ना अलग अलग बाइकों से ली गई है। अच्छा मतलब ये जो डीकल्स आते हैं ये वो हैं या फिर बनवाए आपने अलग से? डीकल्स नहीं है ये। अच्छा। हर कोई मेरे से पूछता है, ये देखने में ऐसा लग रहे थे डीकल्स हुई हैं, कटे कटाए हैं, बट ये डीकल्स नहीं है। ये आप देखोगे मेरी बाइक जो है ना वो बेस मॉडल है ठीक है, जो कि मैट में आता था, आप देखो यहाँ कहीं होगा ब्लैक कलर है मैट वाला। अच्छा मैट में आता था, समझ गया। बट आप देख रहे होगे ये शाइनी है, हर जगह से शाइनी है, पहले इस पे PPF हो रखी है, ओके, फिर इस पे शाइन हो रखी है और फिर ये ग्राफिक्स हुई है। PPF या फिर वो जो करोल बाग में लेमिनेशन करते हैं वो वाली? हाँ PPF हो रखी है, ओरिजिनल PPF जो होती है, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। कितने की हुई थी इस पे ना? तो ये मेरे को पड़ा था अराउंड 4,500 4,500 की। चलो और उसके अलावा भाई मेन तो इंटरेस्टिंग चीज़ जो है भाई वो बताओ आप सबसे पहले, डुअल डिस्क का क्या कंसेप्ट है ये? मतलब ब्रेकिंग वगैरह पसंद नहीं है या वहाँ की क्या है क्या नहीं है? कुछ नहीं है कि मुझे ब्रेकिंग पसंद नहीं है ठीक है, जिस हिसाब से गाड़ी है 150 cc के हिसाब से बहुत ही सडन ब्रेक है ठीक है, रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा है, परफेक्ट। मुझे ब्रेकिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बट वो कहते हैं ना एक कीड़ा होना कि भाई सुपर बाइक वाला फील ठीक है, तो वो ना मुझे डबल डिस्क ना बस चाहिए थे, समझ रहे हो कि एक होता है ना मिडिल क्लास फैमिली नहीं बिलो नहीं ले पाती है सुपर बाइक वगैरह, हाँ। तो हमने सोचा इसी को सुपर बाइक में कन्वर्ट किया जाए। अच्छा तो फिर आपने डुअल डिस्क लगवाया? हाँ पहले मैंने क्या किया था, पहले मतलब पहले का ना अलग कॉन्सेप्ट था, ये डबल डिस्क मैंने अभी करवाया रिसेंटली ठीक है। इसमें क्या था, जो पहले ओरिजिनल यामाहा के डिस्क ब्रेक आते थे ठीक है, वही डिस्क ब्रेक मैंने इधर लगा रखे थे अपने तरीके से, मतलब मैंने नॉर्मली अलॉय व्हील में छेद किया। अच्छा नॉर्मली अलॉय व्हील में छेद किया और उसके अंदर वो सारे नट लगाए ठीक है, और एक क्लिप बनवाई। पर यार ये तो अलॉय व्हील की पूरी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी इस चीज़ से, तो हाँ यही तो बात थी जिसकी वजह से मैंने फिर ये करवाया। अब इसमें क्या है, स्ट्रेंथ भी वापस आ गई है, ब्रेकिंग भी अच्छी है। तो अलॉय व्हील चेंज है, ये वही है? ये अलॉय व्हील वही है ये? हाँ अच्छा
यही तो खास बात है इसकी कि अलॉय व्हील वही है, ना सॉकर रॉड चेंज है, ना कुछ कुछ भी चेंज नहीं है। अच्छा, सब कुछ कस्टम है। आपको एक बार कैमरा नजदीक लाओ तो मैं दिखाऊंगा एक बार आपको। दिखाओ, ठीक है। ये चीज देखो, ये जो है ना, इतना ओरिजिनल पार्ट है। हाँ, ये ओरिजिनल है। हाँ, सही कह रहे हो। एंड देन यहाँ से इसको कट किया गया है और ये पार्ट इसका बनाया गया है। हैंडमेड है ये हैंडमेड है। वेल्डिंग का रखी होगी इसमें। हाँ, ये हैंडमेड है। इसको हैंडमेड बना के यहाँ से आर्गन वेल्डिंग हुई है। हाँ, समझ गया। और उसके हिसाब से कैलिपर देख रहे हो, यहाँ से भी कैलिपर यहीं तक होता है। कैलिपर यहाँ लगा होता है लेकिन उसको एक्सटेंड किया गया है। हाँ, एक्सटेंडर लगा के फिर उसके ऊपर कैलिपर लगा रखा है। तो यामाहा की ओरिजिनल आती है, वो इससे छोटी डिस्क ब्रेक, वो छोटी आती है। हाँ, ये लगभग वो ये लगभग 300 mm या 320 होगी। है ना, ना ऑन मेरे ख्याल से 300 होगी। हाँ, 300 अराउंड होगी। 300-380 तो यामाहा को देती है। 300-320 होगी, ठीक है। तो मतलब आपने ये इसके अंदर ये पूरा ये सिस्टम विस्टम करवाया आफ्टर मार्केट। तो इस पे मतलब यार, ब्रेकिंग एक ऐसी चीज़ मानता हूँ मैं, मतलब मैं पर्सनली ब्रेकिंग वगैरह छिड़वाना थोड़ा ना पसंद नहीं करता, क्योंकि कंपनी से जो ब्रेकिंग आती है ना वो बेस्ट रहती है। अब आपने इसको छिड़वा दिया, अब भगवान ना करे कल के दिन को कहीं ब्रेक ना लगे, कुछ डर लगे, कुछ ऐसी कुछ दिक्कत परेशानी कभी हुई है आज तक? क्योंकि इसके अंदर ये मास्टर सिलेंडर भी चेंज है इसका, ये आप कह रहे हो हार्ले डेविडसन का ये। हाँ, ठीक है। वैसे तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आई है, ठीक है, लेकिन ये जो काम होता है ना, ये हम अपने रिस्क पे कराते हैं। कोई भी बंदा है इसमें, अगर कोई बोले कि हाँ इसमें कोई वारंटी है, कुछ नहीं देता कोई भी। इसकी तो कोई वारंटी नहीं है। कोई वारंटी नहीं है। अगर सडनली कल आपके साथ कुछ होता है तो आप यामाहा में क्लेम भी नहीं कर सकते, किसी को बता भी नहीं सकते। वो तो ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। एंड देन वैसे कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो 4.2 का सिलेंडर लगता है, ठीक है, क्योंकि इसमें दो पिस्टन वर्क करते हैं, ठीक है, नीचे की साइड। अब दो पिस्टन इधर, चार पिस्टन हो गए, तो 4.2 का सिलेंडर लगता है। वो पुराना मास्टर सिलेंडर होता है, वो काम नहीं करता इसमें। अच्छा, इसमें जो कैलिपर्स डाल रखे हैं आपने, 4 पिस्टन या 2 पिस्टन ही है? 2 पिस्टन ही है, दोनों 2 पिस्टन है। हाँ, ये ओरिजिनल यामाहा का है। ये तो बायदुरी वाला जो ओरिजिनल आता है वो है, और यही ओरिजिनल ही उस साइड है, ठीक है। बस इस साइड क्या है, ये किसी और गाड़ी का है, ये भी देखते हैं। ये ब्रांडिंग ही है, ये भी ओरिजिनल बाइबर का ही है। ये यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग यहाँ पे होती है। हाँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ब्रांडिंग होती है। अच्छा, अंदर की साइड होती है। अंदर की साइड ब्रांडिंग होती है। कई गाड़ियों में आपने देखा होगा अंदर की साइड नहीं देती। हाँ, ठीक है। तो मतलब जैसे ब्रेकिंग छिड़वाई तो मतलब डर वर नहीं लगा भाई? नहीं, ऐसा कुछ इशू नहीं है मेरे को। डर किस बात का लगेगा यार? मतलब यार, जैसे मैं हूँ, अगर मैं ऐसे कुछ ब्रेकिंग छिड़वाऊँ ना, तो मेरे को थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा, कि मतलब जो चीज कंपनी से आई है ना वो एक अलग ही रहती है। वो होता है, हाँ, कईयों के अंदर होता है। अब आप तो ब्रेकिंग की बात करो, मैं तो इसमें सिंगल स्विंग आर्म लगवाने वाला था, सिंगल साइडेड स्विंग आर्म। चलो, वो एक बार के लिए ऐसी चीज है, वो चल सकती है। नहीं, सिंगल चल सकती ना, वो तो और खतरनाक है। मेरे लिए तो ब्रेकिंग इंपॉर्टेंट है, सिंगल साइडेड स्विंग आर्म से ज्यादा। इनकेस अगर स्विंग आर्म टूटेगा भी तो बाइक लटकती रगड़ती चलेगी, तो ब्रेक ही नहीं लगेगा। 150 पे या 120 पे क्या करेगा आदमी? ये प्रॉब्लम आपने बताई सही। हाँ, बट ऐसा मेरे को अभी तक कोई इशू नहीं आया है। हाँ, मेरे को ब्रेकिंग वगैरह सही है। हाँ, मतलब कभी कभी, मतलब ये है कि मैंने जब बनवाया था ना, हाँ, तो इतने हार्ड ब्रेकिंग थे कि मतलब मैं यहाँ से अगर इतना भी ले जाऊँ ना, तो ये स्टॉप ही मार देता था। अच्छा जी, मतलब बाइट इतनी इंप्रूव हो गई थी। मतलब इंप्रूव क्या, आप खुद सोचो ना, 150 cc में दो डबल डिस्क ब्रेक, कोई मतलब कोई कॉन्सेप्ट मतलब ही नहीं बनता किसी चीज का। तो मतलब ब्रेकिंग इंप्रूव हो गई ना, बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई। हाँ, तो ब्रेकिंग इंप्रूव हो गई थी। हाँ, उस हिसाब से ना टायर का साइज है ना, तो वो उसको झेल नहीं पा रहे थे। हालांकि मैंने फिर इसको कम करवाया, देख सकते हो बहुत ज्यादा फ्री करवा दिया मैंने। अब थोड़ा सा मतलब लूज हो गया है। हाँ, लूज हो गया। अब क्या है, चलते चलते ना थोड़ा सा पंप लेता है, प्रेशर बनता है इसके अंदर। सॉरी, ब्रेक ऑल तो कम नहीं हो रखा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी जो प्रेशर का इशू कई बार ब्रेक ऑल कम होने से भी आ जाता है? नहीं, ब्रेक ऑयल तो पूरा है, यहाँ से दिख रहा है पूरा है। तो चलो, फिर तो कुछ और ही इशू हो सकता है फिर, जो भी कुछ है। और मतलब मेन तो ब्रेकिंग आपने अपग्रेड करे, क्या खर्चा आ गया होगा इस काम के लिए ब्रेकिंग अपग्रेड में? जैसे डिस्क ब्रेक की प्लेट, आप यूं समझ लो कि मेरा अराउंड कुछ नहीं तो मान के चलो तो 30,000 रुपए के लमसम में आ गया। रफ आइडिया है ना, 30,000 रुपए। पहले जो मैंने लगाया था ना, पहले भी मैंने कम से कम 6,000-7,000 रुपए लगा दिया था। उसमें क्या था, मेरा सिंगल वर्किंग था, एक ऐसी था, दिखा फैंसी था। हाँ, फैंसी था, और वो ना थोड़ा रिस्की काम था, क्योंकि मैंने अलॉय व्हील कमजोर कर दिया था, मैंने बताया आपको। हाँ। तो जब मैं स्पीड में चलता था ना, कट 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 की आवाज आती थी। तो मुझे थोड़ा वहाँ पे डर लगता था कि यार, मैंने ये काम तो करवा लिया दिखावे के लिए, बट कल को सीन ना हो जाए। रिस्क फैक्टर था ना बहुत बड़ा। अब इसमें क्या है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। और अब आप कह रहे हो कि आपके ब्रेक लग रहे हैं, सब कुछ सही है, पर आप कह रहे हो कि भाई, अब मेरे को ना मजा नहीं आ रहा, इससे अच्छा जो स्टॉक ब्रेकिंग थी वो ज्यादा अच्छी थी। पर ऐसा क्यों? वो ज्यादा अच्छी इसलिए थी ना, क्योंकि ये इस गाड़ी के हिसाब से ना, ये ब्रेकिंग बहुत ज्यादा हो गई है। पर ये ब्रेकिंग तो जितनी ज्यादा उतनी अच्छी रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं यार, गाड़ी के हिसाब से होता है। अब आप ड्यूक 250 है, 390 है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर आपको कम ब्रेकिंग दे दूं, या इससे हद से ज्यादा ब्रेकिंग दे दूं, कि मतलब आप वन क्लिक में टायर फिसलने लग जाए, तो आपको वहां भी डर लगेगा।
यार, आप स्पीड वैसे, में ना तो वो आपको डर लगेगा कि यार मैं स्लिप ना कर जाऊं। वैसे उसमें ऑलरेडी बहुत मतलब बढ़िया ब्रेकिंग आती है, ब्रेकिंग तो ब्रेक्स में उसमें कोई इशू नहीं है, बहुत बेहतरीन आती है। जैसे आपने कहा ना सिंगल क्लिक में फिसल ना जाए, सेम ऐसी ही ब्रेकिंग आती है उसके अंदर। और अगर वो इंप्रूव भी हो जाएगी ना तो मैं उसे अप्रिशिएट ही करूंगा अकॉर्डिंग टू मी। वो उसको क्योंकि वो ना 390 है, आप सोच सकते हो 400 सीसी की गाड़ी, 150 सीसी की गाड़ी है। अच्छा चलो, 30 जाने में भी टाइम लेती है, वो तो है ही, बिल्कुल जायज बात है। रैप तो, करते रहो तब जाके ये मतलब 140-150 मतलब आपका कहना है कि ब्रेकिंग बहुत ज्यादा तेज हो गई थी इसलिए कम करवाई है। हाँ, इसको कम करवाई है मैंने। अच्छा ठीक है, मतलब मेरे को ना यार देखो मैं पर्सनली अपना बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पसंद आई क्योंकि टायर का स्किड करना, एक तो मैंने देखो एक गलती और फ्रंट टायर स्किड कर। अच्छा हाँ, एक चीज और, एबीएस चल रहा है सब करने के बाद, वही चीज तो बता रहा हूँ कि यहाँ मैंने गलती करवाई है। देखो ये कैमरा पास लाओ, देखो यहाँ पे देखो तीन वायर दिख रही होंगी, एक दो तीन, एक तो ये जो है ये कंपनी के ओरिजिनल है ये देखो। अच्छा ये तो ऐसी डेड पड़ी है अब, ठीक है ये डेड पड़ी है क्योंकि ये वर्क नहीं कर रहा था इसके अंदर। क्यों? तो इसके अंदर क्या है, ये वाला जो है ये मेन है जो यहाँ मास्टर सिलेंडर से आ रहा है, ठीक है, एंड देन जो ये वाला है ये दूसरे वाले कैलिपर में जा रहा है। अच्छा समझ गया, समझ गया। बीच में ABS वर्क नहीं कर रहा तो जिसकी वजह से सडन ब्रेक होती है ना, तो मुझे थोड़ा सा डर ABS वाली जो वायर है ना वो इस कैलिपर के साथ कंपेटेबल नहीं है, नहीं है। और दूसरी चीज कैलिपर के साथ भी नहीं है, और प्लस जो ऊपर जो है मास्टर सिलेंडर इसके साथ भी नहीं है, क्योंकि जो ABS की मोटर यामाहा ने बनाई है वो सिंगल कैलिपर के हिसाब से बनाई है। तो एक बहुत बड़ा रिस्क वाला काम है इस बाइक के साथ। अब मैं समझा ना जो आप कह रहे हो रिस्क, ये स्किड कर रही थी, स्किड कर रही थी, मैंने कहा बाइक तो स्किड ही नहीं कर सकती, कितनी तेज ब्रेक लग जाए। तो यार ये तो थोड़ा सेफ्टी इशू वाली चीज है, ABS ही नहीं काम करे। अब ना अगला करेगा ना, पिछला कर रहा है? नहीं पिछला कर रहा है। अच्छा हाँ, पीछे का तो कनेक्टेड है ना अभी। हाँ पीछे का तो अलग रहेगा, डुअल चैनल है ना। हालांकि मैंने इसकी बात करी है, उन्होंने बोला है कोई बात नहीं आप फ्री होके आना, ठीक है फिर हम ABS का भी देखते हैं, कुछ नहीं होना बस मोटर चेंज होनी है, ठीक है। तो हो सकता है मतलब ये भी, हाँ बिल्कुल। और बाकी उसके अलावा, सॉरी बाकी उसके अलावा भाई आपने ये अंडर बेली वगैरह बनवा रखी है, ये किस चीज की है? मतलब ये फाइबर की आती है, ये बनी बनाई आती है, मैंने बनाई नहीं है। अच्छा बनी बनाई आती है। हाँ ये बनी बनाई आती है, आप वगैरह जाओगे ना आपको मिल जाएगा। इधर से अच्छी लग रही थी मेरे को देखने में, यहाँ से ना पूरा बैंड पाइप वगैरह अंदर तक कवर हो रहा है, जैसे सुपर बाइक में बिग बाइक वाली फील आती है ना, ये पूरा यहाँ तक रहता है, ये यहाँ तक कवर रहता है। ये थोड़ा सा मैंने काट रखा है क्योंकि पहले जो दोस्त लगा हुआ था ना मेरा, उसका बैंड पाइप यहाँ से जा रहा था। तो इस वजह से ये, क्योंकि ओवरऑल ये लगाने के बाद ना साइड से काफी हैवी और काफी बड़ी बल्की लुक आ रही है, काफी लुक आ जाता है। और पीछे 180 सेक्शन टायर लगा रखा है शायद आपने, 180-190 लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए भाई मेरे हिसाब से तो मत लगाओ। नहीं लगाओ ना? नहीं लगाओ। क्यों ना लगाओ? ये मैंने देखो शॉक में लगा लिया, ठीक है थोड़ा गाड़ी को अब मैंने हर तरफ से बल्की बना रखा है। हाँ। तो यार पीछे से तो नहीं जरूरी है, वो लुक्स के हिसाब से जरूरी है, लुक्स के हिसाब से जरूरी है। बट मैं यही कहूंगा अगर आपको अच्छी एवरेज निकालनी है और गाड़ी की लॉन्ग लाइफ चाहते हो ना तो मेरे हिसाब से मत लगाओ, बिल्कुल बेकार चीज है। क्या क्या नुकसान, क्या क्या दिक्कतें आई आपको? देखो सबसे पहला नुकसान तो ये है आपको गड्ढे जो है ना बहुत ज्यादा फील होंगे सस्पेंशन में, है ना? सस्पेंशन में बहुत फील, मतलब ऐसा लगेगा ना यार ये सस्पेंशन में यामाहा ने कुछ नहीं दे रखा, पत्थर पे बैठ के चल रहे हो। हाँ कुछ ऐसा फील आएगा, ठीक है। सेकंड डिसएडवांटेज कि भाई आपकी एवरेज एकदम जीरो हो जाने में, मर जाएगी एवरेज, ठीक है भाई। जिस जो यामाहा क्लेम करती है ना एवरेज, ठीक है उस एवरेज पे तो बिल्कुल भी मत जाना। मेरी गाड़ी मैं यकीन से बता रहा हूँ, मैंने 52 का एवरेज निकाला हुआ है इससे, 52 स्टॉक टायर्स पे, स्टॉक टायर्स पे, स्टॉक गाड़ी पे, ठीक है 52 का एवरेज निकाला हुआ है मैंने, निकाल लिया होगा, ठीक है। लेकिन इस टायर पे भाई 35 से ऊपर तो कहीं नहीं जाती है, ठीक है, और कभी कभी उससे भी ज्यादा ड्रॉप जाती है। और इस टायर को लगाने का इसकी परफॉर्मेंस भी ड्रॉप हुई होगी, परफॉर्मेंस भी ड्रॉप हुई है, 101% ड्रॉप हुई है। थोड़ा ना ऐसा लगता है कि मतलब कोई ना पीछे से खींच रहा है और बाइक भागना नहीं चाह रही, बाइक भागना नहीं चाह रही, तुम थ्रोटल दे रहे हो, ठीक है गियर भी पूरा है ना, बट ना बाइक में ना वो जो पहले रिस्पॉन्स आता ना झटका मारती थी वो झटका नहीं है। और ये वाला टायर लगा के कितने किलोमीटर चला लिया आपने? ये टायर लगा के यार मैंने गिना तो नहीं पर फिर भी काफी चल गई, काफी चल गई है। हाँ। एक चैन सेट चेंज हुआ है लगने के बाद? कुछ नहीं चेंज हुआ, मतलब चैन सेट का टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ अभी तक? ये स्टॉक चैन पीरियड, अच्छा स्टॉक स्टॉक पे चल रही है अभी ये, क्योंकि मतलब बेसिकली मैं ये पूछना चाहता था क्योंकि जब ये टायर लगा लो ना और बड़ा टायर लगाने का जब बाइक चलाओ तो चैन सेट की लाइफ कम हो जाती है, टायर ज्यादा होता है। हाँ चैन सेट ज्यादा जाता है उसमें, हालांकि घिस गया है मुझे चेंज करवाना है, बट इस टायर से मैं काफी जगह जा चुका हूँ, मसूरी वगैरह होके आ गया, दो बार ऋषिकेश चला गया, ठीक है तो काफी ठीक है। काफी लोग कहते हैं चौड़ा टायर लगाने के बाद कॉर्नर डिप करने में मजा आता है, ग्रिप बहुत तगड़ी आती है। ये तो खैर है, कॉर्नरिंग करने में ना आपको फील आएगा और आपको थोड़ा ना लगेगा हल्का सा, पता है क्या है ट्रिक है, हल्का सा प्रेशर लो कर दो, ठीक है हल्का सा प्रेशर लो कर दो, क्या रहता है ना टायर ना ग्रिप बना लेती है पूरा, पूरा रोड को ना पकड़ लेती है, आपको कहीं से कहीं तक फील नहीं होगा कि मतलब मैं गिर सकता हूँ। और खासकर मेरी जो कॉर्नरिंग वो है ना वो मेरी कुछ यूं है,
ओके इस तरीके से एक बार और करके दिखाना जस्ट लाइक दिस ओके कहीं से कहीं तक कोई डर नहीं कोई इशू नहीं मतलब आपको कोई डरने वाली बात नहीं कोई मतलब ग्रिप लगा था कि मुझे अगला टायर भी चेंज कराना चाहिए मेरे हिसाब से तो करना चाहिए लेकिन मुझे कोई इशू नहीं आया तब मेरे हिसाब से तो आगे का भी टायर चेंज करा ली तो ज्यादा बढ़िया रहता बाकी चलो खैर वो तो कोई दिक्कत नहीं है अब एक लास्ट चीज़ और पूछूंगा भाई आपसे जो मेरे को पर्सनली आपकी पूरी ओवरऑल बाइक में जो सबसे ज्यादा बढ़िया चीज़ लगी है मुझे वो भाई ये जो आपने लाइट लगा रखी है ऑन करके दिखाना जैसे विक्की भाई ने स्टार्टिंग में करी थी ब्रेक दबाना आप है ब्रेक और इंडिकेटर दोनों है इसके अंदर ये देखो भाई ये ब्रेक दबाने पे ना वीडियो में पता नहीं आपको कितना दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा बट जेन्युइन बता रहा हूँ रियल लाइफ में बहुत सुंदर लग रही है रात के टाइम पे बहुत बढ़िया नजर आती होगी अब आपने मेन लाइट तो बंद कर रखी है इसकी है हाँ। सही है भाई ये साइड वाली ऑन होकर अच्छी नजर आ रही है तो मतलब ये कहाँ से आइडिया आया इस चीज का भाई ये सच बताऊँ तो मेरे को कोई आइडिया नहीं आया ये मैंने किसी का चुराया है डुकाटी नहीं नहीं डुकाटी नहीं मैंने ऐसे यूट्यूब पे देखा था ठीक है एक बंदे ने ना क्या करा था वो DRL चलते थे ना व्हाइट कलर व्हाइट वाले तो उस बंदे ने ना वो लगा रखा था बट मुझे वो DRL नहीं चाहिए था मैंने सोचा यार कुछ यूनिक करते हैं तो मेरे घर में नियॉन लाइट लगी हुई थी ओके मैंने फिर इस कलर की नियॉन लाइट ढूंढी और ठीक है और फिर मैंने उसको LP वगैरह से जॉइन वगैरह करके मैंने उसको किया पता नहीं चल रहा है इतना लिटरली फिटिंग अच्छी आई है और लिटरली बताऊं नॉर्मल जो इंडिकेटर होते हैं ना उनसे बहुत अच्छी चलती है जेन्युइनली उससे काफी ज्यादा बढ़िया चल रही है कभी खराब नहीं होगी मैं बता रहा हूं जब से मैंने लगाया एक बार चेंज नहीं किया मैंने अभी तक कितना टाइम हो गया लगा हुए भाई लगाए हुए हो गया मेरी बाइक जब से आई है ना बाइक लाने के 6 महीने बाद मैंने लगाई थी 1 साल हो गया होगा लगाए हुए ऊपर ही हो गया एक साल से चला रहे हो बारिश गर्मी सर्दी हर मौसम में कोई दिक्कत नहीं भाई ये चीज पर्सनली पूरी बाइक में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज लगी ना मेरे को वो यही लग रही है बाकी एग्जॉस्ट वगैरह तो देखो हर कोई लगा लेता है बाकी इसके अंदर DRL वगैरह ये सारी चीज़ें बढ़िया मतलब ओवरऑल भाई आपने काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन कर रखी है मतलब सही है यार मतलब मॉडिफिकेशन पसंद करते हो आप है ना क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं मुझे जो स्टॉक चलानी पसंद करते हैं काफ़ी लोग होते हैं भाई जैसे जो कस्टमाइज करना पसंद करते हैं तो मुझे लगता है भाई ने भाई बढ़िया मॉडिफाई कर रखी है और तो कुछ ऐसा है नहीं है जो खास पूछने वाले जो इंटरेस्टिंग हाईलाइटेड चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई क्योंकि R15 के ऊपर आप लोगों ने काफ़ी कुछ देख रखा है तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या 65-70 हज़ार रुपये इस पर खर्च करना वर्थ है नहीं एक बार आप भी बताओ भाई भाई मेरे हिसाब से देखो अगर आप मॉडिफिकेशन लवर हो ठीक है तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो ये गाड़ी जो होती है ना सबको बहुत पसंद आती है मिडिल क्लास वाले को ठीक है एक ये हो गई एक MT हो गई ठीक है और अगर आप इतना पैसा लगा सकते हो तो मैं तो कहूँगा फिर यार दूसरी बाइक लो ठीक है बट अगर आपको सुपर बाइक पसंद है तो भाई लगाओ सुपर बाइक के जैसी अगर बनाना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और R15 एक ऐसी बाइक है बहुत अच्छा अटेंशन ग्रैब भी करती है कहीं खड़ी होना तो बहुत अच्छा अटेंशन ग्रैब करती है तो थैंक यू विराज भाई आपने सारी चीज़ें बताई देख लो भाई ऐसा कुछ काम करवा रखा है आपको सारी चीज़ डिटेल में पता चल गई होगी क्या काम कराने के फायदे क्या कराने के नुकसान है सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना शेयर कर देना फर्स्ट टाइम विजिट करो सब्सक्राइब भी कर सकते हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय